हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? थैंक्स इतना प्यार देने के लिए, वीडियो को भी और मेरे चैनल को भी। तो मैं कमेंट्स पढ़ रहा था सब लोगों के, तो उसमें मैंने देखा कि ज़्यादातर लोग इजी रेसिपी चाहते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको आज एक इजी रेसिपी दी जाए, जो कि मैं बनाता होता था जब मैं हॉस्टल में रहता था कॉलेज में। तो वहाँ पे इंडक्शन वगैरह कुछ अलाउ तो होता नहीं था, पर चोरी छुपे करते ही थे, बॉयज़ हॉस्टल में तो ऐसा सब कुछ चलता ही है। तो मैं वहाँ पे जो जल्दी जल्दी से बॉर्डर के डर से जल्दी जल्दी और इजी रेसिपी बनाता था वो थी एग करी। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपके साथ एग करी की रेसिपी शेयर करता हूँ। तो ये जो मैं एग करी बना रहा हूँ, ये मैं बना रहा हूँ चार अंडों के लिए। उसके लिए मैंने लिया है 2 मीडियम साइज़ की प्याज जो कि मैंने चॉप करी है, थोड़ा सा अदरक और लहसुन लिया है वो भी चॉप किया है, मिर्च ली है जो मैंने बीच में से स्लाइस की है, 4 मिर्च ली है मैंने, और 1 टमाटर लिया है। मसालों के लिए मैंने लिया है सूखा धनिया, हल्दी, जीरा, नमक और काली मिर्च। और ये मैंने एक्स्ट्रा 2 मसाले लिए हैं जो कि है किचन किंग और गरम मसाला, अगर ये ना भी हो तो भी चलेगा। तो ये मैंने 4 अंडे बॉईल करने के लिए लगा दिए हैं, और अंडे बॉईल करने को आपको 10 से 12 मिनट में ये बॉईल हो जाते हैं। अगर तो आपको हार्ड एग बॉइल्ड एग चाहिए तो 12 मिनट, नहीं तो 10 में, क्योंकि थोड़ा बहुत ग्रेवी में भी पकता ही है, तो 10 मिनट में ये हो जाएंगे बॉयल। तो ये मैं ले रहा हूँ सरसों का तेल, और मैं इसको आज सरसों के तेल में बनाऊंगा। सरसों का तेल जब हम रखते हैं तो इसको ना जलाना पड़ता है जिससे कि स्मेल ना आए। तो ये अभी इसको मैं थोड़ी देर जलाऊंगा, जब इसमें से धुआं निकल जाएगा, इसमें 1 बूंद पानी का डालोगे तो आवाज आती है और मतलब ये जल के सही हो जाता है। तो ये तेल, ये देखो इसमें से धुआं निकलने लगा है, इसका मतलब ये जल गया। और इसमें पानी डालना है, हमारे बोलते हैं तेल को फाड़ना, जिससे ना इसकी स्मेल वगैरह नहीं आती। तो 2 बूंद इसमें पानी, और साथ में ये भी तो बताओ कितना दूर खड़े हैं। हाँ, ये दूर तो होना पड़ेगा क्योंकि छींटे तो आएंगी अगर तेल में पानी डालते हो। अगर आप तेल से डरते हो तो आप रेगुलर ऑयल ले लो, मस्टर्ड मत यूज करो। अब इसको 2 मिनट रखना पड़ेगा क्योंकि अभी ये बहुत तेज है, अगर मैं प्याज डालूंगा तो जल जाएगा, तो 2 मिनट इसको ठंडा होने के लिए रखना पड़ेगा। तो अब मैं इसमें सबसे पहले डाल रहा हूँ अदरक, लहसुन और मिर्च। मैं डाल रहा हूँ प्याज, इतना प्याज भुन रही है, हम इसमें मसाले डालते हैं। 1/2 चम्मच हल्दी का, 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा, 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च का डाला है मैंने इसमें, और 1 चम्मच डाला है सूखा धनिया। अंडे हो गए बॉईल, अब मैं इनको साइड में निकाल के ठंडे पानी में रखूंगा जिससे कि इनकी बाद में जब मैंने पील करने तो स्किन अच्छे से पील हो जाए। अब मैं इसमें ये टमाटर भी डाल देता हूँ, ये वाले मसाले तो अच्छे से भुन गए थे, अब इसमें 1/2 चम्मच किचन किंग। अब इसको थोड़ा सा भून के मसालों को, अब मैं थोड़ी देर में इसमें, मतलब जब ये टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तो मैं इसमें 1/2 कप के लगभग पानी डालूंगा। ये मैं मैश कर रहा हूँ इसको जिससे इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी आ जाए, और ज़्यादा भी मुँह में ना आए पर थोड़े थोड़े आए। अभी मेरे टमाटर प्याज अच्छे से मैश हो गए हैं, तो अब मैं इसमें 1 ग्लास पानी का डाल के रख दूंगा और इसको कवर कर दूंगा। धीमी आंच पे इसको छोड़ देंगे 5-10 मिनट के लिए। बंद करने से पहले इसमें आप नमक डाल दो जिससे कि अच्छा पक जाए, नमक गला देता है सब्जी वगैरह को। ये मैंने कवर करके अपनी चिमनी चला दी है और गैस को कर दिया सिम। मेरा हेल्पिंग हैंड आ गया है, हेल्पिंग हैंड अपना हाथ दे रहा है। हाँ, क्योंकि मुझे वेदा को पकड़ना पड़ रहा है। सो अब हम इसे यहाँ पे ऐसे को थोड़ा सा छेड़ लेंगे, और उसी बीच में अंडे भी पील हो चुके हैं, तो बस अब कितनी देर और? अब इसमें एक चीज मैंने ऐड करनी है। ओके, इसमें बस मैंने एक चीज ऐड करनी है जो कि मुझे भी नहीं पता है, तो थोड़ी देर में हम आपको बताते हैं। जो मैं डालने जा रहा हूँ ना, इसके पीछे एक कहानी है। जब हम हॉस्टल में बना रहे थे ना, तो एक लड़के ने आके ना हमारा, मतलब ये ग्रेवी खराब करने के लिए ना, उठा के वहाँ पे दूध रखा था, तो उसने दूध डाल दिया। अब हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं होते वहाँ पे ज्यादा, तो हमने सोचा कि भाई अब कोई नहीं, जैसा भी अब पकने दो। जब हमने पकने के बाद खाया तो वो तो मुझे लग रहा है ज्यादा अच्छा बना। वो गलती अच्छी लगी। हाँ, वो गलती हमें अच्छी लगी, तो मैं वो गलती दोबारा करने जा रहा हूँ। मैंने इसमें 1/2 गिलास दूध है, मैं इसमें 1/2 गिलास दूध डाल दूंगा। ओके, इससे क्या होगा, टेस्ट भी अच्छा आएगा और जो ग्रेवी है ना
वो थिक भी हो जाएगी, क्रीमी टेक्सचर। हाँ, इसको 5 मिनट के लिए उबालना पड़ेगा। ये एकदम से उबलने लगा, जो मैं चाहता था वही हुआ। क्योंकि जब भी आप दूध डालो उबलना चाहिए वो, नहीं तो फटने का डर रहता है, क्योंकि इसमें नमक है पहले से। एग्स में ना ऐसे ना हम अगर छेद कर ले तो जब हम इनको ग्रेवी में डालेंगे ना तो ये क्या होगा कि अंदर तक इनके ग्रेवी चली जाएगी और स्वाद ज़्यादा आएगा। वैसे ना कुछ लोग इसको ना थोड़ा थोड़ा फ्राई करते हैं अंडे को, शैलो फ्राई, लाइक 1-2 चम्मच आप तेल डालो पैन में और उसको थोड़ा सा फ्राई कर लो, पर इतने ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं होते हमारे पास, तो उस चक्कर में मैं तो इसको बिना फ्राई करे डाल देता हूँ और अच्छे लगते हैं, तो मैं इनको ग्रेवी में डाल देता हूँ। एग करी डन है, बस अब ग्रेवी एंडो के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए इसलिए हमने 2 मिनट के लिए इसको रखना है, चाहे ढक के रख दो चाहे बिना ढके, बाकी सारा कुछ डालिए। एक चीज रह गई थी, क्या? आज मैं इसमें हरे धनिया की गार्निश ना करके थोड़ा सा जिंजर अदरक का लच्छा इसमें मैं गार्निश करूंगा, जो कि एग या चिकन में अच्छा लगता है। okay. इसलिए मैं वैसे करता हूँ। okay, if you say so. ये हो गया, डन। चलो फिर आज क्या आएगी, रोटी या पराठे? पूरी कहानी है मेरे पास, तो वहाँ पे रोटी तो बनती नहीं थी, रात को 2-2, 3-3 बजे बनाते थे, पूरी पूरी रात उठे होते थे, तो चावल ही होते थे थोड़े बहुत। वैसे मुझे चावल पसंद नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ही कम चावल खा के खुश हूँ मैं, पर एग करी है ना तो फिर चावल खाने पड़ेंगे, चावल बनाता हूँ। चावल डन हो चुके हैं आपके, मतलब डन नहीं हुए, अभी बनने के लिए रखे हैं 5-7 मिनट, जब तक तुम्हारी ग्रेवी और ये होना तब तक ग्रेवी मेरी बनी है। हाँ, मतलब 5-7 मिनट में बन जाएंगे। तो ये मेरा लास्ट स्टेप बचा है, गरम मसाला। ये मैं एंड में इसलिए डालता हूँ क्योंकि उसके बाद ना थोड़ा मसालों के अच्छे फ्लेवर आते हैं, बहुत छोटा, मतलब 2 पिंच डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, 2 पिंच डालना है इसमें, एंड में मसालों के अच्छे फ्लेवर आते हैं। तो अब आपको नेक्स्ट स्टेप तो पता ही है कि आपने क्या करना है, आपने करना है लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और ऐसे ही प्यार करते रहो चैनल को जैसे आप कर रहे हो, इससे भी ज़्यादा ही करो। ओके, बाय।